विधानसभा सत्र के दूसरे दिन पत्रकारों से बातचीत करते हुए सीएम ने कहा कि राज्य सरकार महिलाओं के हितों को देखते हुए नौकरियों में उनके आरक्षण को लेकर पहले दिन से गंभीर है, लिहाजा हाईकोर्ट के फैसले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट गई और हाईकोर्ट के आदेश को स्थगित कराकर अब राज्य सरकार सीधे नौकरियों में महिला आरक्षण कानून ला रही है। सरकार ने जो वादा किया था उसे पूर्ण किया है। मुख्यमंत्री ने धर्मांतरण कानून पर भी बयान दिया है और कहा है कि राज्य में लगातार शिकायतें आ रही थी कि धनबल और प्रलोभन के आधार पर लोगों को धर्म बदलने के लिए प्रेरित किया जा रहा है, लिहाजा इस विषय से भी जो है सख्त कानून इस पर बनाया जाएगा। इसके साथ ही सीएम धामी कल विधायकों से हुई जीएसटी कटौती विधायक निधि में इस्तेमाल के दौरान आ रही दिक्कतों के बारे में जानकारी देते हुए उन्होंने कहा इस विषय पर विभाग से राय देने के लिए उन्होंने कहा मुख्यमंत्री से कांग्रेस विधायक मिले थे और मुलाकात के दौरान विधायक निधि पर इसके पड़ रहे प्रभाव का भी जिक्र किया था। देहरादून से अवनीश गुप्ता की रिपोर्ट। बहुत पहले से चूंकि धर्मांतरण आज हमारे यहाँ पर एक घुन की तरह लग गया है और बहुत सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पता ही नहीं लगता है कि किस प्रकार से तमाम प्रकार के हथकंडे अपनाकर धर्मांतरण करवाया जाता है, मतांतरण करवाया जाता है। ये हमारे लिए बहुत ही घातक है, इसलिए हमने निर्णय लिया था, हमारी मंत्रिमंडल की बैठक में हमने तय किया था कि हम इस बार इसके लिए एक सख्त कानून बनाएंगे और इसमें एक कड़ी सजा जो 10 वर्ष की हो और कड़े प्रावधान हो जिससे कि कोई भी इस प्रकार का कृत्य न कर पाए। उत्तराखंड देवभूमि है, यहाँ पर इस प्रकार की चीज़ें बिल्कुल भी टॉलरेबल नहीं है, इसलिए हम कड़ा कानून उस पर बना लिया।